केवड़िया खाते योजायेली 19मी मेरीटाइम स्टेटस डेवलपमेंट काउंसिल नी बैठक में केंद्र सरकार ना पोर्टर्स शिपिंग अने वॉटरवेज MOPSW अने आयुष्यना मंत्री सर्वानंद सोनेवाले भारतना दरियाई क्षेत्र माटे वीजानू अनावरण कर्युं हतुं, जेमां परिवर्तनकारी प्रभाव माटे कटिबंध प्रमुख पहलोनी रूपरेखा रजू करवामां आवी हती। सोनोवालोए जणाव्युं हतुं कि सरकार टूंक समयमां ज देशना तमाम बंदरो पर सुरक्षा वधारवा बंदर सुरक्षा ब्यूरो ने एक मंच पर लावशे। तेमने सातत्यपूर्ण विकास पर सरकारे केन्द्रित करेला ध्यान पर पण प्रकाश पाड्यो हतो, तथा केन्द्र सरकार अने राज्य सरकारना बंदरो पर हाइड्रोजन केन्द्र विकसावा मंत्रालयनी महत्वाकांक्षी योजना विशे पण वात करी हती। तेमने कह्युं हतुं के केन्द्र सरकार अने राज्य सरकारना तमाम बंदरो हाइड्रोजन केन्द्रो उभा करवानी संभावितता ચકાસશે। તેમણે ઉમેર્યું હતું કે દીનદયાળ પોર્ટ ઓથોરિટીએ આ સહારા માટે રૂપિયા 1.68 લાખ કરોડના MOUને અંતિમ સ્વરૂપ આપી દીધું છે। આ ઉપરાંત સોનોવાલે બંદર માટે અમૃતકાલ વિઝન હેઠળ બંદરોની ક્ષમતાને 4 ગણી કરવા દેશની કટિબદ્ધતા અંગે જાણકારી આપી હતી। તેમણે જણાવ્યું હતું કે તમામ મુખ્ય બંદરોએ વર્ષ 2047 માટે તેમના પોર્ટ માસ્ટર પ્લાન્સ તૈયાર કર્યા છે અને રાજ્યોમાં પણ 2047 માટે તેમને પોર્ટ માસ્ટર પ્લાન્સ તૈયાર કરી રહ્યા છે। તેમણે જણાવ્યું હતું કે દેશની કુલ બંદર ક્ષમતા હાલની આશરે 2600 MTPA છે, જે વધીને વર્ષ 2047માં 10000 MTPA થી વધારે થઈ જશે। મુખ્ય અને સૂચિત બંદરો સ્ટેટ મેરીટાઈમ બોર્ડ રાજ્ય સરકારે અને કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશો UT વચ્ચે યોગ્ય સંકલનને સુધારવા માટે પોર્ટ્સ શિપિંગ અને વોટરવેઝ મંત્રાલય દ્વારા આયોજિત ગુજરાતના કેવડિયા ખાતે આયોજિત 2 દિવસીય 19મી મેરીટાઈમ સ્ટેટ ડેવલપમેન્ટ કાઉન્સિલની બેઠક સંપન્ન થઈ છે। નમસ્કાર, ગુજરાત કે પત્રકાર બંધુ, આજ દેશ કી એક પવિત્ર ભૂમિ કેવડિયા મેં आप सबका स्वागत है। और आप सबको मालूम है हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश में पिछले 9 साल में जो परिवर्तन संभव हुई है, इसकी वजह से भारत जाग उठा है और देश ने दुनिया में 5वीं 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी के हिसाब से अपना पहचान बनाने में सफलता प्राप्त की। तो इसलिए आज परमादरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के हर नागरिक को मनोबल मिली है, शक्ति मिली है, आत्मविश्वास दुगुना बढ़ी है। और इसलिए उन्होंने जो लक्ष्य हमें दी है बाय 2047 भारत को एक डेवलप्ड नेशन के हिसाब से खड़ा करना होगा और उसी दिशा पर हमारी भारत सरकार के साथ साथ प्रदेश सरकार सभी प्रांतों की जनता अब इसी बिंदु पर प्रतिबद्ध हुई है और हम भी परम आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज पोर्ट शिपिंग वाटरवेज की तरफ से सभी हमारी कोस्टल स्टेट की यूनियन टेरिटरीज को साथ लेकर आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने भी कदम उठाए हैं। और आज केवड़िया में 2 दिन का हम लोगों ने मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल का बैठक यहाँ अनुष्ठित की। इस बैठक में सभी हमारे मैरीटाइम स्टेट शामिल हुई, यूनियन टेरिटरी शामिल हुई और हम लोगों ने डिटेल में सारी बिंदुओं को चर्चा की, ताकि हम अगले दिनों में जैसे हमें लोह पुरुष हमारे प्राम आदरणीय देश की जिन्होंने सभी प्रदेश को एकत्रित की थी
ऐसे महापुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की शरणों पे समर्पित भावनाओं से प्रणाम देते हुए हम लोगों ने सभी को साथ लेकर, जैसे मोदी जी ने जो मंत्र दी है, टीम इंडिया की मानसिकता से हमें देश को आगे बढ़ाने का काम करना होगा। उसी हिसाब से केंद्रीय सरकार और प्रदेश सरकार एक साथ मिलकर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म स्प्रिट को बढ़ावा देते हुए हम लोगों ने अगले दिनों में अपने पोर्ट व्यवस्था को आधुनिकीकरण के सिलसिले में विश्व स्तर पर हमने खड़ा करने के लिए निर्णय की है। और ये भी लक्ष्य रखा गया है बाय 2047 हमारे कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी अब 2600 है, अब मिलियन मैट्रिक टन, उसको हम अगली 2047 तक 10,000 मिलियन मैट्रिक टन बनाने का हम लोगों ने निर्णय किए है अमृत काल में, यानी कि बाय 2047 विल अचीव दैट टारगेट। 10,000 सभी पोर्ट, जितना भी हमारे देश के अंदर पोर्ट है, सभी पोर्ट एक साथ मिलकर, प्रदेश सरकार और केंद्रीय सरकार मिलकर इस काम को हम सफल बनाने के लिए प्रतिबद्ध हुए हैं। और दूसरी बिंदु है हमारे, जैसे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नेशनल हाइड्रोजन मिशन के तहत हमारी अगले दिनों में कार्बन एमिशन जीरो करने के लिए जो भी 2070 तक हमें लक्ष्य दी है, उसी दिशा पर आगे बढ़ाने के लिए, ब्लू इकोनॉमी के सिलसिले में आगे कदम उठाने के लिए हम लोगों ने ग्रीन शिपिंग, ग्रीन पोर्ट बनाने का भी निर्णय की है। और हमारे जितना भी पोर्ट है, सभी पोर्ट को हम हाइड्रोजन हब के हिसाब से खड़ा करने के लिए भी निर्णय की है। और आप लोगों को ये बात जानकर खुशी होंगे कि अभी हमें दीनदयाल पोर्ट में इस सिलसिले में हमें 1.68 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट का हमें जो एमओयू हुए है, तो इसी हिसाब से हर पोर्ट को अगले दिनों में हाइड्रोजन हब के हिसाब से हम खड़ा करेंगे। तीसरी बात हुई कि अगली अक्टूबर को दिल्ली में हमारी 17 से 19 अक्टूबर तक ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 होने जा रहा है। ये हमारे लिए बहुत बड़े सुनहरा मौका है। इसके पहले भी दो बार हो चुके हैं, जिसके जरिए काफी इन्वेस्टमेंट संभव हुई है। और अगले दिनों में जितना भी हमारे दुनिया में, विश्व में मैरीटाइम नेशन है, इस मैरीटाइम नेशन को इस सभा में बुलाया गया है। और परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम इसी समिट को सफल बनाने में लगे हुए हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे हर मैरीटाइम स्टेट, कोस्टल स्टेट इस कार्यक्रम में भाग ले। इस विषय पर भी चर्चा हुई और हमारे हिंदुस्तान में चाहे कोस्टल शिपिंग हो, चाहे एक्जिम ट्रेड हो, चाहे इनलैंड वाटरवेज हो, इसमें 10 लाख करोड़ का पोटेंशियलिटीज है। तो अगले दिन में यही लक्ष्य होगा कि हमारे यहाँ अधिकतर अधिक एफडीआई संभव हो और 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो। और इसी इन्वेस्टमेंट के लिए हमारी तरफ से अब तक पोर्ट को मॉडर्नाइज करने के सिलसिले में अलग अलग कार्यक्रम के जरिए जो भी कदम रखा गया है, इसके वजह से हमारा पोर्ट का इफिशियंसी बढ़ चुका है। तो इसलिए 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होने से 15 लाख से अधिक यहाँ रोजगार मिलेगा। तो ऐसा ही लक्ष्य लेकर हम लोगों ने अपने कदम को आगे बढ़ाया है।